आप लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे नेता थे, मैं कहता हूं कि उनसे घटिया नेता कोई दूसरा इस देश में नहीं था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा नेता थे तो ओबीसी के ऊपर क्रीमिलियर क्यों थोप दिए? क्या था क्रीमिलियर? क्रीमिलियर ये था कि ओबीसी समाज का जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं उनको आरक्षण न मिले, इसलिए क्रीमिलियर के दायरे में उसको ला दिया। और ओबीसी समाज का जो लोग, जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते उनको आरक्षण मिलेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं वो आरक्षण कैसे लेगा? और जो पढ़ेगा, जो आरक्षण का लाभ ले सकता है उसको आप क्रीमिलियर के दायरे में ला करके बर्बाद कर दिया। मोदी जी को लीजिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ वैसे लोगों को 10% आरक्षण मोदी जी ने दिया जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं था, लेकिन जिसको आरक्षण की जरूरत है उनके सरकारी विभाग को एक एक करके निजीकरण में बदलते जा रहे हैं। आरक्षण क्या है? आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण अधिकार नहीं है, आरक्षण सुरक्षा कवच है जो द्रोणाचार्य से हमको बचाता है। ये आरक्षण रूपी कवच को ये लोग धीरे धीरे मोदी सरकार समाप्त कर रहा है। यहाँ पर हेमंत सोरेन से के भी हम खिलाफ हैं। हेमंत सोरेन ने जो अभी नया रोस्टर लागू किया आरक्षण का, 7 जिला में ओबीसी को 0% कर दिया। हमारी आपसी एकता नहीं होने के कारण हम अफवाह के दुनिया में गुमराह हो जाते हैं। हम दिन रात हिंदू मुसलमान की बात कर लेंगे लेकिन अपने अधिकार की चर्चा दिन भर में एक बार नहीं करेंगे। हम एक बार आपस में बैठकर चर्चा नहीं करते कि एससी एसटी ओबीसी के कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? नहीं है तो आज़ादी के 75 साल बाद क्यों नहीं है? ये चर्चा होनी चाहिए। आज एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जो जनरल बच्चों से ज्यादा नंबर लाते हैं लिखित परीक्षा में, आखिर मौखिक परीक्षा में उनको इतना कम नंबर क्यों आ जाता है? अब वो फेल क्यों बन जाते हैं? यूपीएससी एग्जाम के लिखित परीक्षा का आप आंकड़ा देख लीजिए। हमारे होनहार बच्चे जो जनरल क्लास के बच्चों से ज़्यादा नंबर लाया लेकिन वो आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन जनरल कास्ट के बच्चे जो हमारे बच्चों से बहुत कम नंबर लाया वो आईएएस बन गए। हमारे बच्चों के भविष्य को रौंद रहे हैं? कोई मुसलमान नहीं है रौंदने वाला, कोई ईसाई नहीं है रौंदने वाला। रौंदने वाला हमारे ही समाज के मुट्ठी भर 2-4% लोग हैं जो एक तरफ हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर गुमराह करते हैं और दूसरे तरफ हमारे अधिकारों को लूटने का काम करते हैं। ये लूटने का अधिकार उनको किसी ने दिया है, लेकिन उनकी मनोप्रवृत्ति ऐसी है, उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो जी और जीनोदों में विश्वास नहीं करते। उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो सबका हक मार करके जीना चाहते हैं। और आज से नहीं, सदियों से हमारे पूर्वज अनपढ़ गंवार थे। क्यों थे? क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का अधिकार लोगों ने नहीं दिया था। अगर पढ़ने लिखने का अधिकार होता तो हमारे पूर्वज अनपढ़ गंवार नहीं होते। आज हमको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो आप देख लीजिए पूरे देश में 50,000 सरकारी विद्यालय बंद कर दिया गया। पूरे देश में, झारखंड में भी रघुवर सरकार में कई सरकारी विद्यालय बंद कर दिया। ये आरएसएस का गुप्त एजेंडा है कि धीरे धीरे सरकारी विद्यालय बंद कर दो। और ये एससी एसटी ओबीसी का माली हालत इतना खराब कर दो कि ये प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा ना सके। आज से 500 साल 1000 साल पहले जहां हम खड़े थे, आने वाले 200 साल के बाद हमारे बच्चे वहीं खड़े नहीं। ये बहुत गंभीर साजिश के दौर से चल रहे हैं। इसीलिए हम तमाम जातियों को एकजुट करना चाहते हैं और सभी मिलजुल के अपने अधिकार के लिए लड़े। अब एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। आप लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे नेता थे, मैं कहता हूं कि उनसे घटिया नेता कोई दूसरा इस देश में नहीं था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा नेता थे तो ओबीसी के ऊपर क्रीमिलियर क्यों थोप दिए? क्या था क्रीमिलियर? क्रीमिलियर ये था कि ओबीसी समाज का जो लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं उनको आरक्षण न मिले, इसलिए क्रीमिलियर के दायरे में उसको ला दिया। और ओबीसी समाज का जो लोग, जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते उनको आरक्षण मिलेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं वो आरक्षण कैसे लेगा? और जो पढ़ेगा, जो आरक्षण का लाभ ले सकता है उसको आप क्रीमिलियर के दायरे में ला करके बर्बाद कर दिया। तो ये सब अच्छे चेहरा का मुखौटा थे, अच्छे लोग नहीं थे। अब हमारा समाज धीरे धीरे जाग रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी पर, आज मोदी जी को लीजिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं।
एक तरफ वैसे लोगों को 10% आरक्षण मोदी जी ने दिया जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं था, लेकिन जिसको आरक्षण की जरूरत है उनके सरकारी विभाग को एक एक करके निजीकरण में बदलते जा रहे हैं, सब सरकारी विभाग को प्राइवेट हाथों में बेचते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे आरक्षण को समाप्त कर देना चाहते हैं। आरक्षण क्या है? आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण अधिकार नहीं है, आरक्षण सुरक्षा कवच है जो द्रोणाचार्य से हमको बचाता है। आरक्षण हमारा सुरक्षा कवच है जो हमारे बच्चों को द्रोणाचार्य से बचाता है। और ये आरक्षण रूपी कवच को ये लोग धीरे धीरे मोदी सरकार समाप्त कर रहा है। यहाँ पर हेमंत सोरेन से के भी हम खिलाफ हैं। हेमंत सोरेन ने जो अभी नया रोस्टर लागू किया आरक्षण का, 7 जिला में OBC को 0% कर दिया और बाकी जिला में न्यूनतम परसेंट कर दिया। हेमंत सोरेन भी वही गलती कर रहे हैं जो दिल्ली में बैठ के मोदी जी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये हमारा पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, तेली समाज दोनों को सबक सिखाएगा। तो इस वक्त देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की जो प्रचलन है काफ़ी तेज हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री भी इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र एक धोखा है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। ये लोग ब्राह्मण राष्ट्र बोलेंगे तो समर्थन नहीं मिलेगा, इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र बोल करके समर्थन लेना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब साफ साफ ब्राह्मण राष्ट्र। आज से लगभग 1 साल पहले हमारे तेली समाज की एक विद्वान बेटी छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू जो वेद के प्रखंड ज्ञाता है, जब वेद वाचन करने निकली तो दर्जनों पाखंडियों ने उनको फोन करके मना किया कि तुम शूद्र हो, तुम वेद वाचन नहीं कर सकती। जब नहीं माने तो ये दर्जनों पाखंडियों ने कहा कि मोजरा करो मोजरा। अरे हमारी बेटियों ने कभी मोजरा नहीं किया, इतिहास गवाह है कि मोजरा किया है। तो तुम लोगों के बेटियों ने ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र एक छलावा है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये ब्राह्मण राष्ट्र लाना चाहते हैं। और जब ब्राह्मण राष्ट्र आ जाएगा तो कहेगा ब्राह्मण को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार होगा, क्षत्रिय को सिर्फ पढ़ने का अधिकार होगा, वैश्य को सिर्फ प्राथमिक शिक्षा से काम चलाना होगा और शूद्र को, जिसको हम SC ST OBC कहते हैं, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। नारी शूद्र नाध्यताम, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये लोग ब्राह्मण राष्ट्र लाना चाहते हैं और ये कभी हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। आपका ही समुदाय तो सबसे ज्यादा है। हमारा समुदाय को बहुत बड़े पैमाने पर गुमराह किया गया है और जो सबसे ज्यादा गुमराह होता है ना वही सबसे ज्यादा क्रांतिकारी भी बनता है। हमारा ही समाज उलगुलान लाएगा, हमारा ही समाज इस देश में जनसैलाब लाएगा। थोड़ा देखते जाइए।